डीजल और पेट्रोल आज फिर महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने शनिवार को डीजल के दाम में 35 पैसे और पेट्रोल में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। शुक्रवार को भी पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। इसके साथ देश में ईंधन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का संभवतः यह सबसे लंबा दौर बन गया है। सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम विपणन कंपनियों की मूल्य अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल की कीमत रिकॉर्ड 103 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर और मुंबई में 109 रुपये 83 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल की कीमतें भी दिल्ली में 92 रुपये 47 पैसे के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छू गई और मुंबई में ये 100 रुपये प्रति लीटर के करीब हैं। मुंबई में इस समय इसकी कीमत 100 रुपये 29 पैसे प्रति लीटर है। स्थानीय करों के आधार पर कीमतें एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होती हैं। ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि के साथ यह मूल्य वृद्धि का सबसे लंबा दौर है। ओपेक प्लस द्वारा उत्पादन में वृद्धि को प्रतिदिन 4 लाख बैरल पर सीमित करने से अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमत $82 प्रति बैरल से अधिक हो गई है, जिसकी वजह से ईंधन की कीमतों में बड़े अनुपात में वृद्धि की जा रही है। एक महीने पहले ब्रेंट की कीमत लगभग $72 प्रति बैरल थी। तेल का शुद्ध आयातक होने के नाते भारत पेट्रोल और डीजल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार रखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।